हाथरस में किसानों की हुई महापंचायत की अध्यक्षता करने राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी पहुंचे। यहां उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए मोदी सरकार को किसान विरोधी बताया। जयंत चौधरी ने यहां चार फैसले सुनाए। इनके झूठ भरे जब चाहेंगे तो आंसू तब कहेंगे इनके मुख से, रोएंगे मैं बता रहा हूं, गारंटी लेता हूं। आने वाली सभाओं में मोदी जी आकर किसान की बात करके रोना शुरू कर देंगे, लेकिन समझ लेना, ठान लो, ये पत्थर की लकीर बना लो इस बात को, ये किसान विरोधी है, ये नहीं सुधर सकते। निजी व्यापारी को भगाओ नहीं, विकल्प मिलना चाहिए। लेकिन क्या आपने वैकल्पिक मंडी की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कोई काम किया? अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे, सरकार ने तय किया था, घोषणा करी बजट में कि हम देश में 22,000 ग्रामीण हाट को विकसित करेंगे। बताओ साहब, यहाँ इतनी बड़ी जमीन है, बढ़िया जमीन है, कई सादाबाद के पास पास हाट लगते हैं, कुछ गुजरा राम के नाम पे वोट लेते हो, लेकिन यहाँ बात होनी चाहिए रामलीलाल की। जो अलीगढ़ के सुनहरा गांव के एक किसान थे, बिजली का बिल हजारों का बिल, चंद हजारों का बिल बकाया था, अधिकारी ने धमका के थप्पड़ मार दिया, और जिस समाज में उनका उठना बैठना था उस एक भोले भाले किसान ने उस अपमान को दिल पे बैठा लिया और आत्महत्या कर ली। मैं उस राम की बात करने आया हूं। और चौथी बात यह है, जिस तरह हम किसान की पंचायत कर रहे हैं, नौजवानों के ऊपर बड़ा संकट है। नौजवान आप पे कम जिंदगी है, किसानों पे नौजवान समझता है कि खेती से गुजारा होना नहीं, बहुत प्रयास करता है, भटक जाता है, दौड़ लगाता है, इम्तिहान देता है, नौकरी नहीं मिलती। मैं नौजवानों को वादा करना चाहता हूं, हमने पंचायत आज किसान के खेती के अपने अस्तित्व की मान सम्मान की लड़ाई लड़ने को करी है, लेकिन नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए भी हम मिलकर संघर्ष हमें करना पड़ेगा, चाहे सरकार को जो भाजपा बैठी है वो खास है। उन्होंने कहा कि आज किसान आंदोलन को चलते हुए 80 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं, तमाम किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही, वहीं कृषि कानूनों को वापस नहीं ले रही है। इससे साबित होता है कि सरकार में जो लोग बैठे हैं उन्हें ग्रामीण परिवेश के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए वो जो फैसला लेते हैं वो ज्यादातर गाँव और किसानों के खिलाफ होते हैं, ये साबित हो गया है। न्यूज़ डेस्क।